देखिए वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, करेक्ट। वीडियो पॉज करके सभी बच्चे कॉपी में नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए एक एक्सप्रेशन लेते हैं हम 2y-5। देखिए किसी भी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आता है। मतलब समझो देखो मैंने भी आपको बताया था ना क्या कि y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो y इज इक्वल्स टू 2 रखा आपने, कितना y इज इक्वल्स टू 2 रखा, रखिए तो क्या हो जाएगा 2 वाई। देखिए ये 2y जब भी लिखा है इसका मतलब है 2 इंटू वाई। क्या इसका मतलब 2 इंटू वाई, ठीक है। जब भी 2y लिखा है तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू वाई होता है, ठीक। सो यहां से कुछ नहीं करना है, 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2 है, तो y का वैल्यू 2 रखिए माइनस 5। अब सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो 2 2 4 माइनस 5, करेक्ट। आंसर कितना आ जाएगा यहां से देखिए 4 माइनस 5। हाँ बच्चों ये बात आपको पता है, 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होगा तो प्लस मानेंगे, ठीक है। सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस माइनस, माइनस और साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 5 में से 4 को माइनस करो कितना आएगा 1, और इन दोनों में से बड़ा कौन है 5, तो 5 के आगे क्या है माइनस, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका क्या आंसर आएगा, मैं आपके बेसिक भी क्लियर करता चलूंगा, ठीक है ना। 4 इंटू अगर माइनस 5 होता तब बच्चों देखो क्या होता, तब आपको क्या करना है, बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है, प्लस माइनस माइनस, तो जो भी आपको बोलने में आ रहा है जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको मुंह में बोलने में आ रहा है आप वही साइन लगा दो। प्लस माइनस, माइनस आ रहा है मुंह में बोलने में तो माइनस लगा दो। 4 5 20, ये लीजिए आ गया -20 आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन में हम छोटे बड़े नंबर का साइन नहीं देखते हैं, लेकिन जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे या ऐड कर रहे होगे तो आप बड़े छोटे नंबर का साइन देखोगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, एग्जांपल देते हैं हम आपको, अभी क्लियर हो जाएगा, रुक जाइए। जैसे कि बच्चों लिखा है, मान लीजिए 6-7, ठीक, या 6-8 कर लो, चलो 6-8 कर लो, ठीक है। तो प्लस माइनस, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, करेक्ट। तो 8-6 कितना होता है 2, और बड़ा नंबर क्या है 8 के आगे माइनस है, तो हम क्या लगाएंगे यहां माइनस लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता क्या कि 6 × -8, तो आंसर क्या आता, प्लस माइनस, माइनस साइन लगेगा किसका, साइन लगेगा किसका, बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखेंगे, इस बार मुंह में बोलने में जो आ रहा है वही लिख देंगे, ओके। तो प्लस माइनस, माइनस होता है, तो माइनस 6 × 8 = 48। तो आई थिंक आपको यहाँ पे एक बेसिक क्लियर होगा। बहरहाल हम वापस लौट के आते हैं, तो हमने y का वैल्यू कितना चूज किया 2, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कितना आ रहा है -1, ओके। y इज इक्वल्स टू 2 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है -1 है, ठीक। और अब मैं आपको दिखाता हूं, मान लो बच्चों हमने चूज किया इस बार, ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे हमने y इज इक्वल्स टू कितना चूज किया था 2, करेक्ट। अगर हमने y इज इक्वल्स टू चूज किया मान लीजिए 3, तो ये वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ और आएगा, करेक्ट। वेरिएबल की वैल्यू आपने चेंज कर दी, y पहले हमने कितना लिया था 2, अब हमने कितना ले लिया 3, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ओके। सो यहां से क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या था 2y-5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की जगह हमने क्या रखना है 3-5, ओके। देखो ये 2 इंटू वाई की जगह 3 रखा, ठीक है, और माइनस का 5, 2 3 6, 6-5। अब देखो बच्चों 6 के आगे क्या है प्लस है, और 5 के आगे माइनस है, प्लस माइनस, माइनस होता है तो साइन लगेगा इस बार बड़े नंबर का, हम मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं 6-5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। सो प्लस का 1 आंसर आएगा, प्लस का 1, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है ना, यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो देखा आपने, वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज कर दोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जब वेरिएबल की वैल्यू 2 थी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी -1, जब वेरिएबल की वैल्यू 3 थी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। और भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। मान लो इसी एक्सप्रेशन में y इज इक्वल्स टू कितना रख दिया मैंने, -3 रख दिया, मान लो रख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या था 2y-5, इसकी वैल्यू देखिए 2y का मतलब 2 × y-5, ठीक ना। अब वैल्यू रखो 2 × अब y की जगह क्या रखना है -3, प्लीज ध्यान दें y की जगह क्या रखेंगे -3, तो y की जगह -3 रखा और ये -5, करेक्ट। सो यहां से अब याद रखिएगा, जब भी 2 साइंस साथ साथ आते हैं, जैसे यहां देखो मल्टीप्लाई है और यहां माइनस है ना, ये मल्टीप्लीकेशन क्रॉस का साइन और यहां पर देखिए माइनस का, जब भी 2 साइन मैथ्स में साथ साथ आते हैं तो आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 2 × -3 ऐसे कर देते हैं, रॉन्ग, ऐसा नहीं करना आपको, 2 × और माइनस साथ साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना आपको, ठीक। तो 2 × -3 कितना होगा, अब देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 कैसा है पॉजिटिव है, 3 कैसा है नेगेटिव है, तो प्लस माइनस, माइनस, अब जो मुंह में बोलने में आएगा वही साइन लगा दो, क्यों, क्योंकि
हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 का कितना हो गया 6, और ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ गया 5। ठीक, नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, करेक्ट। तो 6 प्लस 5 11 होता है बच्चों, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 6 और 5 में से बड़ा कौन है, 6, तो 6 का साइन यहाँ पे आ गया, ये देखिए। तो इस टॉपिक में हम आपको ये बताना चाहते थे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन जो है वो किससे मिलके बना होता है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से, करेक्ट। एक्सप्रेशन किससे मिलके बना होता है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से। और नेक्स्ट टॉपिक हमने आपको क्या पढ़ाया, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। इसमें आपने क्या पढ़ा, कोई एक्सप्रेशन है अगर उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, अगर उसकी वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो आपको एक्सप्रेशन की न्यू न्यू वैल्यू मिलती जाएंगी। जैसे कि y इक्वल्स टू 2 रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 थी, y इक्वल्स टू 3 रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, और y इक्वल्स टू -3 रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, -11 है। तो वेरिएबल की वैल्यू बदल जाने से एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। बाकी धीरे धीरे चैप्टर में और आगे आपको पता चलेगा। ये सारी चीज़ें बच्चों नोट कर लीजिए।